मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल बेटा, आप सब बच्चे कैसे हैं? ओके, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे ये बताइए जल्दी से मैम के हाथ में क्या है? बोतल। वेरी गुड, कितनी बोतल है? एक बोतल है, बहुत अच्छे। अच्छा ये क्या है मैम के पास? किताबें हैं, आप सबको पता है। अच्छा कितनी किताबें हैं मैम के पास? चार किताबें हैं। कितनी है? चार किताबें हैं। आप इसे भी बच्चे मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। वेरी गुड, चलो। यहाँ क्लास में कितने बच्चे खड़े हैं मैम के पास? दो, बहुत अच्छे। जाइए अपनी सीट पे, थैंक यू। दो, ये क्या है जो मैम ने बोर्ड पर लिखा है? एक दो तीन चार पांच, क्या क्या बोलते हैं इसकी ऑल ऑफ यू? संख्या, गिनती, बहुत अच्छी, काउंटिंग्स। चलो ठीक है, संख्या बोलते हैं इसको हम, ठीक है, चलिए। अच्छा मुझे ये बताइए, संख्या का एक या एक से ज्यादा होने के बोध को हम क्या कहते हैं? संख्या का एक या एक से ज्यादा होने के बोध को क्या कहा जाता है? आज हम पढ़ेंगे वचन। क्या पढ़ेंगे बेटा? वचन। वचन, वचन किसे कहते हैं? ठीक है, सुना है आप लोगों ने, जरूर सुना होगा इससे पहले। हाँ बहुत बढ़िया। तो वचन क्या होता है? वचन शब्दों का एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा होने के रूप का, जिन शब्दों से हमें पता चलता है उसको हम वचन, ठीक है। शब्दों का एक या एक से ज्यादा होने का हमें जिन शब्दों से बोध होता है उसको हम वचन कहते हैं। जैसे किताब, अभी आप ये क्या है? किताब। नो, ये क्या है? किताब। और अब ये क्या है? किताब। तो आपको सबको पता है, ठीक है। ये कितनी उंगली है? एक। ये एक से ज्यादा, इसको तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उंगली। और जब एक से ज्यादा हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे? उंगलियां। वेरी गुड, उंगलियां, समझ गए। बच्चा एक है तो बच्चा, एक से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? बच्चे। बच्चे। पत्ता, एक है तो पत्ता, और एक से ज्यादा होते हैं तो क्या बोलेंगे? पत्ते। क्या बोलेंगे? पत्ते। किताब, एक, देखिए किताब, किताबें, ठीक है। तो जिन शब्दों से हमें किसी चीज की संख्या, किसी वस्तु की संख्या होने का बोध होता है उसको हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, कितने होते हैं? दो। वचन के दो भेद होती है, एक वचन, क्या होता है बेटा पहला? एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन, ठीक है। एक वचन यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु के एक होने का पता चलता है, एक होने का बोध होता है, उसको हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन क्या होता है? जिन शब्दों से हमें संख्या का एक से ज्यादा होने का बोध होता है उसको हम बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा, जैसे बच्चा, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? बच्चे। बच्चे, बहुत अच्छे। इसके अलावा बिल्ली, ओके, और इसका बहुवचन हो जाएगा बिल्लियां। बिल्लियां, समझ गए? यस। तो जिन शब्दों में हमें एक होने का बोध होता है उसको हम एक वचन कहते हैं, और जिन शब्दों में हमें एक से ज्यादा होने का बोध होता है उसको बहुवचन कहते हैं। आपको बच्चा सुनकर क्या लगता है, एक या एक से ज्यादा? एक। एक, तो बच्चा एक वचन हुआ। जब हम बच्चा को बच्चे बोलते हैं तो उस शब्द से ही हमें एक से ज्यादा होने का आभास होता है, बच्चे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुवचन, समझ गए। बिल्ली, जब हम बिल्ली को देखते हैं और हम बिल्ली बोलते हैं तो हमें एक का आभास होता है, एक का होता है ना, yes, एक वचन हुआ। और जब हम बोलते हैं बिल्लियां तो हमें एक से ज्यादा बिल्लियां होने का आभास होता है, तो हम बिल्लियों को क्या बोलेंगे? बहुवचन। समझ में आया यहां तक सबको? यस। अब मैम आपको कुछ एक वचन बहुवचन बोर्ड पे लिखेंगे और आप सभी बच्चे अपनी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे, ओके? एक वचन, बहुवचन, पत्ती, केला,
बेटे, थैला, थैले। उनको कॉपी इसमें लिख लीजिए, केला, केले, फूल, फूलों, बेटा, बेटे, थैला, थैले। ठीक है, सब बच्चे अपनी अपनी कॉपीज में नोट डाउन करें। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। किसी को कोई परेशानी है आप पूछ सकते हो। अच्छा ये बताओ वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? दो। दो भेद होते हैं, बहुत अच्छे। चलिए बताइए एक वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे हम